दोस्तों इन दिनों ये डिवोशनल स्टेटस और ये रील्स जो हैं एनिमेशन वाली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। चलिए आज इसी को बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और ये वाला जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए एप्लीकेशन का नाम आपने देख ही लिया है, मोशन पोर्ट्रेट। ये देखिए कुछ इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको जो है मल्टीपल फेसेस वाली जो इमेज है वो यहाँ पर नहीं रखनी है और फ्रंट फेस वाली ही इमेज यहाँ पर आपको रखनी है। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कैमरे का ऑप्शन है, आप चाहे तो कोई पिक्चर अगर आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। गैलरी में अगर देखेंगे तो पहले से कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैंने बनाए हैं, कुछ पहले से थे तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए लाइब्रेरी के ऑप्शन पर जाकर मोबाइल की गैलरी से कोई इमेज ले लेते हैं जिस पर भी हमें ये एनिमेशन लगाना है। चलिए मैं एक यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए दुर्गा माँ का ये बाल रूप है, चलिए इसी को एनिमेशन ऐड करते हैं। यहाँ पर हम इनकी जो आँखें हैं उसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। नीचे कुछ एरोज दिए हुए हैं जिससे आप इसकी शेप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप आँखों को छोटा बड़ा या मोटा पतला यानी कि इसकी शेप को ओवरऑल आप सेट कर सकते हैं। चलिए इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, इसको थोड़ा सा टाइम लेकर ही आप कीजिएगा नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखिए छोटा बड़ा आप जैसा भी करना चाहें, ये ऊपर लेंस में आप देख सकते हैं, ऊपर जूम वाला जो लेंस है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हम ये सेटिंग कर रहे हैं। चलिए इसी तरह से इनकी जो स्माइल है उसको भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये जो 3 डॉट दिए गए हैं इसके हिसाब से आप इनकी जो स्माइल है उसको छोटा बड़ा या अपने आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आँख में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलिए ये जो है सेट हो चुकी है, चलिए इसको अप कर देते हैं ओके। ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारा बनकर तैयार हो गया है। साइड में आप देख रहे हैं कुछ इमोजीज हैं, यहाँ की अगर आप स्माइल पर जाएंगे तो थोड़ी स्माइल जो है एनहांस हो जाएगी। अब ये देखिए कुछ उदास है, कुछ गुस्से वाला है, तो चलिए मैं सिंपल पे ही रहने देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप माइक के ऑप्शन पर जाकर कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अभी मैंने हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है तो ये एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एडिटिंग के टाइम पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ हमें स्टिकर्स हैं, कुछ विक्स वगैरह हैं, कुछ बाल, देखिए हेयर स्टाइल आप चेंज करना चाहें। यहाँ पर तो माता की हम ये एनिमेशन बना रहे हैं तो इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर जो कैमकॉर्डर जो यानी कि कैमरे का ऑप्शन है उस पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे 15 सेकंड का जो टाइमर है वो ऑन हो गया है, यानी कि 15 सेकंड की हमारी ये वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप सेव पर जाएंगे और ये सेव हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह की एनिमेशन हमारी बनकर तैयार हो गई है। जब आप इससे एग्जिट जाएंगे तो इस सेव का एक बार और पूछेगा तो आप वहाँ पर भी जाकर के इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए ऐप को एग्जिट करते वक्त भी आपके पास ऑप्शन आएगा। गैलरी में आप देख सकते हैं गैलरी में ये हमारी जो वीडियो है आ चुकी है और मोबाइल की गैलरी में भी ये सेव हो चुकी है। चलिए इसको करते हैं एग्जिट और अब करते हैं इसकी एडिटिंग। आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर काइन मास्टर का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए 9:16 का रेशियो यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए अब गैलरी से वो जो वीडियो हमने बनाई है 15 सेकंड की उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं, पैन एंड जूम पर जाएंगे और इसको सेट कर लेंगे अपने फ्रेम के हिसाब से। चलिए यहाँ पर जो है सेटिंग इसकी कर लेते हैं। ये देखिए अब लेयर पर जाएंगे और गैलरी में से मैं कुछ एक ओवरले एनिमेशन यहाँ पर ले लेता हूँ। ये जो पोर्ट्रेट है यानी कि ये जो इमेजेस हैं कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है ये मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, कहाँ से आप इस तरह की एनिमेशन वाली ओवरले और इस तरह की जो इमेजेस हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस ओवरले इफेक्ट को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं क्रोमा की पर जा करके। ये देखिए कुछ स्पार्कल और स्टार वाले जो ओवरले हैं यहाँ पर सेट हो गई है। चलिए इसको अब फ्रेम में सेट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारा यहाँ पर लग गया है। अब आप लेयर पर जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो बना हुआ है पहले से आप उस लोगो को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए लोगो फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। चलिए जय माता दी, यहाँ पर कलर को हम येलो कर लेंगे, आउटलाइन को हम रेड कर लेंगे। ये देखिए
अगर आप चाहें तो इसमें ओवरऑल एनिमेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी को भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ओवरऑल एनिमेशन पर जाएंगे और कुछ इस तरह के एनिमेशन यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और पूरी वीडियो पर इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जाएंगे, अब मीडिया पर जाकर के आप कोई भी वीडियो ले सकते हैं जिसमें से भी आपको कोई साउंड लेना है। तो चलिए मैं एक रील मैंने डाउनलोड की हुई है उसको मैं ले लेता हूँ और उसका जो ऑडियो है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर जाकर ओके कर लेता हूँ। चलिए जो ऑडियो है मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है, ये देखिए। अब एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और हमारी जो वीडियो है बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की जो वीडियो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। साउंड मैंने अभी इसका ऑफ किया हुआ है ताकि कोई कॉपीराइट ना आए। ये देखिए जय माता दी हमने लिखा था, यहाँ पर एनिमेशन दे दिया है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह के जो पोर्ट्रेट है यानी कि इस तरह की जो इमेजेस हैं हम कहाँ से ले सकते हैं। ये 3D इमेजेस होती हैं, AI जनरेटेड इमेजेस होती हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पर आना है और इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को हमको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ बाल हनुमान। ये देखिए तो बाल हनुमान से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी इमेजेस हमें वो नहीं लेनी है जिस पर वाटरमार्क हो। तो आप बिना वाटरमार्क की फ़ोटो यहाँ से ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड के ऑप्शन पर यहाँ पर एरो का बना हुआ निशान, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। 3 डॉट पर जाएंगे तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जिस वेबसाइट पर ये एक्चुअल में अपलोडेड है। ये देखिए ये वेबसाइट खुल गई है, यहाँ पर चाहें तो आप और भी इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी तरह की इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इफेक्ट चाहते हैं तो आप GIF उसके आगे लिख दीजिए, यानी कि आप sparkle.gif लिखेंगे तो स्पार्कल वाले जो GIF इफेक्ट हैं यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। उसके लिए करना है आपको छोटा सा काम, आपको करना है टेक्निकल बोली को सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।